हेलो फ्रेंड, मैं अमृता। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं दिवाली में कैसे तैयार होना है। हमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना है, कैसे रेडी होना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है और एकदम बिल्कुल मैचिंग मैचिंग मैंने चूड़ी पहन ली है। अब इसके बाद हम मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। अगर आपने हल्का फुल्का मेकअप पहले से करा हुआ है तो अपने फेस को पहले क्लीन करेंगे। ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि मॉइस्चराइजर लगाना। फेस को हमें हल्का सा मॉइस्चराइज रखना है। इससे हमारे स्किन को कोई हार्म नहीं होता है और मेकअप जो है काफी टाइम तक टिका रहता है। इसके बाद हमें लगाना है प्राइमर। आपको अपने फेस पे इसको डैब डैब करके ही लगाना है। इसके बाद आपको लगाना है फाउंडेशन। ये फिटमी का फाउंडेशन आपको हल्का सा लेना है। फाउंडेशन ये मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है फाउंडेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है मुझे। ऐसे आपको डैब डैब करके पहले लगा देना है अपने फेस पे। उसके बाद आपको लेना है ये ब्यूटी ब्लेंडर। इससे आपको अच्छे से पूरे फेस पे मिला देना है। ये मैंने फाउंडेशन बिल्कुल अपने फेस पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे ये कॉम्पैक्ट। ये भी फिटमी का ही कॉम्पैक्ट है। अब इसके बाद हम अपने फेस पे कॉम्पैक्ट लगाएंगे। कॉम्पैक्ट के बाद आपको लगाना है ये ब्लश। ये ब्लश मुझे बहुत पसंद है। ये लैक्मी एब्सोल्यूट का ब्लश है, ये बहुत ही पसंद है मुझे। इसके बाद आपको इसे लगाना है। आपको स्माइल करनी है। ये है आई शेडो और इसका जो ये डार्क ब्राउन वाला है ना कलर, इससे मैं अपनी आईब्रो में इसको इसी से सेट करूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद ये जो ब्राउन कलर का है इसको मैं ऊपर से हल्का हल्का लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत आईब्रो मैंने सेट कर ली अपनी। ये है बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम। ये बहुत ही अच्छा होता है लिप बाम। इससे ना आपके आपके जो लिप होते हैं वो पिंक होते हैं, फटते नहीं हैं। ये लिप बाम मुझे बहुत पसंद है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लगाना है लिप बाम। इससे ना लिपस्टिक बहुत स्मूथली चलती है। इससे ना लिप बाम लगाने से ना लिपस्टिक बहुत ही स्मूथ चलती है। इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। ये है सुगर की मेरी लिपस्टिक। बहुत ही अच्छा कलर है इसका।
ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद ना हम करेंगे आई मेकअप, क्योंकि मैंने सोचा ना कि आई मेकअप बिल्कुल मुझे लास्ट में करना है, इसलिए मैं बहुत लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं करूंगी आई मेकअप। तो ये ना, ये मैं जो ये हल्का सा है स्किन कलर का, इसमें कलर, तो इससे पहले आपको सेट करना है, मतलब जो हल्का हल्का, बहुत लोगों को डार्क सर्कल हो जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं ना, मतलब हल्के हल्के नहीं हो जाते हैं, बहुत डार्क कलर हो जाते हैं कभी कभी, तो ये जो है ना इसको लाइट करता है। उसके बाद आप कोई भी कलर इस पे लगा सकते हैं, आप जिस कलर का आपने कपड़ा पहना है या जो भी आपको देना है, जो भी आई शेडो का कलर आपको यूज करना है, इसके बाद ही आप ट्राई करना। इसके बाद में ये जो है ना पैरेट ग्रीन है, इसके बाद मुझे आई शेडो का ये कलर चाहिए, मुझे अपने आँख पे बिल्कुल यही कलर लगाना है। बाद में मैं ये जो गोल्डन कलर है, हल्का सा इस पे गोल्डन कलर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्लिटर वाला गोल्डन बहुत ही पसंद है और मुझे लगाने का बहुत मन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको लगा लेते हैं। ये है शुगर का काजल है, इसके बाद हम काजल लगाएंगे। अगर आपको काजल नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे तो बहुत ही पसंद है काजल, ये मैंने ना पहले से लगाया हुआ है, तो मैं इस पे हल्का हल्का ही लगाऊंगी काजल। आपको ना अपने अपर लाइन पर भी ये काजल हल्का हल्का लगाना है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको इसके बाद हम लगाएंगे, ये है मेबलिन का आईलाइनर, हम आईलाइनर इसके बाद लगाएंगे। आप ना आईलाइनर जो है वो आई शेडो के पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो, आपको जैसे ही इजी लगे। ये मुझे तो ये आई शेडो के बाद ही लगाना पसंद है, इसीलिए मैं इसको बाद में लगा रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हो। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, ये है शुगर का हाइलाइटर, इस टाइप का पाउडर बनाना है आपको। ये है फिक्सर, स्विस ब्यूटी का फिक्सर है, लास्ट में आपको ये जरूर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है ना, इससे आप अपना जो मेकअप है वो लॉक करते हैं और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, मैं ये ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, नेकलेस, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है,
ये मेरे बिल्कुल भी, ये चूड़ी और ये जो है ना नेकलेस है ये बिल्कुल एकदम सेट है, और जो मेरी साड़ी है वो हल्की सी लाइट है इससे। मेरा मैंने पूरा अपने आप ये नेल पेंट मैं यूज करूंगी, बिल्कुल भी लाइट कलर है ये, लाइट ग्रीन है, तो मैं आज यही लगाने वाली हूँ, शाइनर।